हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआरसी के एक बहुत चर्चित क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस वीडियो में, जिसको लेकर आप बहुत लोग परेशान हैं। मुझे बहुत सारा क्वेश्चन भी आ रहा था इसी के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो का आप छोटा सा वीडियो को आप आखिर तक देख लेना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है वो है कि एनआरसी में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, मतलब क्लेम नहीं किया है, और आता है कि जो छोटा बच्चा है जिनका जन्म 2015 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनका अब क्या होगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने अप्लाई नहीं किया है, या मेरा जो छोटा बच्चा है उसका जन्म 2015 के बाद हुआ है, तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी तो कोई न्यूज़ जो है स्पष्ट करके कुछ नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो क्लेम और ऑब्जेक्शन जब ख़त्म होगा 31 दिसंबर, उसके बाद ही इसी को लेकर कोई ऐसा जो बयान है, ऐसा कोई न्यूज़ आएगा, कि ऐसा आना ही होगा, क्योंकि जो जिन लोगों का नाम नहीं एनआरसी में इन्वॉल्व हुआ है उनका नाम भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 31 दिसंबर के बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि इसके बारे में कोई ऐसा ऑर्डर, ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, आप लोगों को इसी के बारे में न्यूज़ जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। आप लोगों का शायद, मुझे लगता है आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल गया होगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।